स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन डॉट के फार्मा। बहुत ही अच्छी ओपनिंग निकली हुई है फार्मासिस्ट के लिए और लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन एंड नर्सेज के लिए, यानी कि कहने के लिए कि पूरे पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए ये एक वैकेंसी निकली हुई है जो करा रहा है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ओके, तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है जिसको हिंदी बोलते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ये एक परीक्षा को आयोजित कर रहा है जिसका नाम है JPMCCE, यानी के झारखंड पैरा मेडिकल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम 2023। क्योंकि ये नोटिस जो है ना वो 2023 में निकला हुआ है, इसलिए JPMCCE 2023 बोला जा रहा है, लेकिन इसके फॉर्म और ये सब स्टार्ट कब से होंगे, ये जनवरी में 2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फार्मासिस्ट की वैकेंसी बहुत सारी है, 560 फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और लैब टेक्नीशियन की भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दी है, ये 636 वैकेंसी निकली हुई है। एक्सरे टेक्नीशियन की 116 और नर्सिस की हैं 1173। ओके, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 2485 हैं करेंट में और 47 है बैकलॉग में। ओके, तो इतनी सारी वैकेंसी ये निकली हुई हैं, ये सारी की सारी पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए हैं, चाहे वो बी फार्मा वाला हो, चाहे लैब टेक्नीशियन BMLT किया हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन वाला हो, MRI वाला हो या GNM और ANM वाला हो। ओके, तो इन सब के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में आपके हाई स्कूल बेस पे, इंटर बेस पे और जो टेक्निकल राउंड हुआ है उसमें जो एक मेधा सूची बनेगी उसके हिसाब से, मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। ओके, चलिए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ये पूरा का पूरा नोटिस उन्हीं की तरफ से आया हुआ है, हिंदी में है, आप लोग चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, झारखंड पैरा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसको बोलते हैं झारखंड पैरा मेडिकल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम JPMCCE 2023, रेगुलर वैकेंसी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितना शुल्क लगेगा, यानी कि फीस कितनी रखी गई है। तो जनरल के लिए फीस जो है वो है 100 रुपये। ओके, 100 रुपये रखा गया है जनरल के लिए, बाकी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए ये 50 रुपये रखा गया है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन जो हैं उनके लिए ये बिल्कुल छूट है इस पर। ओके, तो 50 रुपये रखा गया है जनरल के लिए, OBC SC ST के लिए 50 रुपये रखा गया है और जनरल के लिए 100 रुपये रखा गया है और फिजिकली हैंडीकैप के लिए ये बिल्कुल फ्री रखा गया है। ओके, तो ये हो गई फीस की बात। इसके बाद देखेंगे 47 यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी है। ओके, 47 ये पहले से जो चली आ रही है उनमें भर नहीं पाए इसलिए। इसके बाद देखेंगे कि कितने यहाँ पे रिक्त पद हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये फार्मासिस्ट की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जनरल, ओके, ये जनरल की बात हो रही है, जनरल के लिए 224 वैकेंसी निकली हुई है फार्मासिस्ट की, जिसमें से 11 आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। ओके, 11 आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। इसके बाद है EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीक पर्सन के लिए है, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये 56 वैकेंसी हैं यहाँ पे। ओके, 56 वैकेंसी रखी हुई है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए ये 161 वैकेंसी निकली हुई हैं और अनुसूचित जाति SC के लिए ये 62 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई हैं। ओके, तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति ज़्यादा मिलती है इसलिए ये 161 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें से 8 वैकेंसी जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग OBC, इसकी 40 वैकेंसी हैं जिसमें से 2 महिलाओं के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये OBC 17 इसकी निकली हुई है। इस तरह से ये टोटल 560 वैकेंसी हैं जिसमें से 28 महिलाओं के लिए आरक्षित है और जो इधर आप देख रहे हैं जितना भी ये सारा का सारा फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए है और ये अलग अलग तरह के हैं, जैसे कोई दृष्टि में जिसकी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई मूक बधिर यानी कि बोल नहीं पाता, चलने में दिक्कत है, बौद्धिक है,
और खेल कूद का कोटा है उसमें भी ये रखा गया। ओके, तो इस तरह से ये सीटों का आवंटन किया गया है जो भी वैकेंसी हैं। तो ये फार्मासिस्ट की बात होगी। अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन में अनारक्षित 255 है, जिसमें से 13 महिलाओं के लिए है। इसके बाद इकोनॉमिकली वीक पर्सन 63, अनुसूचित जनजाति 180, अनुसूचित जाति 71, अति पिछड़ा वर्ग 42 और पिछड़ा वर्ग 25 निकली हुई है। तो इस तरह से ये 636 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें से 32 महिलाओं के लिए है और ये 7, 6, 6, 3 ये सारी की सारी अलग अलग फिजिकली हैंडीकेप्ड और खेलकूद में स्थान पाने वाले लोगों के लिए है। इस तरह से एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो एक्सरे टेक्नीशियन की अनारक्षित यानी कि जनरल जो है वो 45 है, EWS 14, अनुसूचित जनजाति के लिए 36, अनुसूचित जाति के लिए 12, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और पिछड़ा वर्ग के लिए 4 वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 116 वैकेंसी हैं, जिसमें से सारा का सारा बता दिया गया है कि किस तरह से आवंटित की गई है। इसके बाद आता है नर्स। ओके, तो नर्स के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। 1173 वैकेंसी यहाँ पे नर्स के लिए निकली हुई है, जिसमें से जनरल जो है वो 478 है और 24 इसमें आरक्षित है महिलाओं के लिए। देन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 117 वैकेंसी निकली हुई है और ये 6 आरक्षित है महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 299 वैकेंसी निकली हुई है। अनुसूचित जाति के लिए 122 वैकेंसी निकली हुई है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 92 और 65 वैकेंसी निकली हुई है। इस तरह से टोटल 1173 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से 59 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ओके, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा सुनहरा भविष्य आपके सामने खड़ा हुआ है। आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। ओके, अब इसके बाद में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी, आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले फार्मासिस्ट की बात करते हैं। तो फार्मासिस्ट में बी फार्मा आपके पास होना चाहिए या डी फार्मा आपके पास होना चाहिए। ओके, बी फार्मा या डी फार्मा आपके पास होना चाहिए किसी भी राज्य से, किसी भी जगह से, चाहे चाहे वो पटना का हो, चाहे रांची का हो, चाहे भारत सरकार के किसी भी राज्य से उसने ये डिप्लोमा किया हो। ओके, हाई स्कूल इंटर तो होगी ही, साथ में झारखंड राज्य फार्मेसी से इसका एफिलिएशन होना चाहिए, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड राज्य यानी कि झारखंड स्टेट से उसका एफिलिएशन होना चाहिए। तो ये सिर्फ झारखंड वालों के लिए है। ओके, देन इसके बाद देखेंगे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए ये हाई स्कूल इंटर साथ में इसमें BMLT का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का या तो सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो और झारखंड पैरामेडिकल से ये एफिलिएटेड हो तो इसको मान्यता मिलेगी। पे बैंड आप देख सकते हैं, तो पे बैंड यहाँ पे 29,200 से 92,300 का है, यानी कि पे लेवल 5 है। ऐसे ही फार्मासिस्ट में भी पे लेवल 5 रखा गया है, बहुत ही अच्छा, ये 7 पे के हिसाब से लेवल होता है। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी लेवल 5 ही है और इसमें हाई स्कूल इंटर पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, CT स्कैन, USG, MRI टेक्नीशियन, ये सारे लोग भर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरे टेक्नीशियन वाले ही भर सकते हैं, सारे लोग भर सकते हैं, बस झारखंड राज्य से इसका एफिलिएशन होना चाहिए। इसके बाद है परिचारिका, यानी कि परिचारिका मतलब नर्स। ये पे लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 पे यहाँ पे लग रहा है। ओके, 7th लेवल का ग्रेड है, 44,900 से लेके 1,42,400 की यहाँ पे बैंड है, यहाँ पे रखा गया। तो हाई स्कूल इंटर्न के साथ होना चाहिए। इसके साथ में 3 वर्ष 6 माह का GNM यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया होना चाहिए। ओके, और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से ये एफिलिएटेड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये सारा के सारा बात होगी क्वालिफिकेशन की। ओके, इसके बाद देखते हैं इसके बाद में आता है आयु सीमा। ओके, तो आयु सीमा की गणना जो है ना दो तरह से की जाएगी। न्यूनतम उम्र की गणना जो की जाएगी वो 1/8/2023 से की जाएगी। ओके, और अधिकतम उम्र की गणना जो है वो 1/8/2019 से की जाएगी। ओके, थोड़ा सा पेंच है यहाँ पे, आप समझ लें, न्यूनतम की जाएगी 2023 से और अधिकतम की जाएगी 2019 से। ओके, तो न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष रखी गई है। ओके, तो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये 37 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और महिलाओं के लिए ये 38 साल रखा गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 साल रखा गया है। ओके, और संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैक्सिमम जो है ना 55 साल का यहाँ पे रखा गया है। ओके,
इसके बाद हम बात करेंगे कैसे फॉर्म भरेंगे। ओके, तो फॉर्म अभी भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, सारा का सारा ये ऑनलाइन के थ्रू ही सबमिट होगा, लेकिन फॉर्म अभी आप नहीं भर सकते हैं, ये 23 तारीख से स्टार्ट होगा। ओके, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा, JPMCCE को क्लिक करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे JPMCCE को और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगी, उससे आपको लॉग इन करने के लिए अपनी लॉग इन आईडी बना लेंगे। ओके, इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे और ये हो जाएगा आपका। ओके, देन इसके बाद ये स्टार्ट कब से होगा, ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा, आवेदन की प्रविष्टियाँ और ये सब ज़्यादा डिटेल में है कि कब तक आप कर सकते हैं, यानी कि 3-3 तक आपको मौका दिया जाएगा, आप इसको क्लेरिफाई कर लें, क्लियर कर लें, अपना सही से भर दें। ओके, तो रजिस्ट्रेशन करने की स्टार्टिंग डेट है ये 23/1/2024, यानी कि 23 जनवरी से स्टार्ट होगा और 22 फरवरी तक ये भर सकते हैं आप। ओके, और परीक्षा का भुगतान जो है ना वो 26/2 तक कर सकते हैं। इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की जो मैक्सिमम डेट रखी गई है वो 28/2 रखी गई है और 1/3/2024 से 3/3/2024 की मध्यरात्रि तक जो भी आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद ये बंद हो जाएगी। ओके, एडमिट कार्ड आपको इसी से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए आपको सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद ये आपकी पेमेंट सबमिट हो जाएगी। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, तो ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होगा। ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, परीक्षा के सारे क्वेश्चन जो है ना MCQ टाइप के होंगे, लिखित परीक्षा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत होने पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ओके, निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा एक पत्र होगा। ओके, मुख्य परीक्षा में एक पत्र होगा, जैसे फार्मेसी वाला है तो फार्मेसी का होगा, नर्स है तो नर्स का होगा, BMLT है तो BMLT का होगा, तो 1 घंटे का होगा, लेकिन परीक्षा 1 घंटे होगी, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका 1 अंक होगा। ओके, देन इसके बाद इसकी जो बनेगी मेधा सूची, यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगी, वो कैसे बनेगी, यहाँ पर नंबर 2 देख रहे हैं आप, नंबर 1 में आपका लिखित परीक्षा होगी, नंबर 2 में होगी तकनीकी योग्यता, तो जो आपने डिप्लोमा डिग्री किया है उसमें जो परसेंटेज है, जैसे 60% अगर आपके होंगे तो 10 नंबर मिलेंगे, 60 से कम होंगे और 45 के बीच में होगा तो 7 मिलेंगे और 45 से कम होगा तो 5 मिलेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं गा, यानी कि 3 नंबर पॉइंट है जो शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक में कितने परसेंट हैं आपके, इसके बाद 60% से ऊपर है तो 20 अंक मिलेंगे, 60 और 45 के बीच में 15 मिलेंगे, 45 नीचे है तो 10 मिलेंगे। इंटरमीडिएट में इसी तरह से 60 से ऊपर हैं तो 20 अंक मिलेंगे, 60 और 45 के बीच में 15 मिलेंगे और 45% से कम हैं तो 10 मिलेंगे। ओके, और अगर आप संविदा पे काम कर रहे हैं तो हर साल के लिए 10 अंक मिलेंगे आपको। ओके, हर साल के लिए 5 अंक मिलेंगे, हर साल के लिए 5 अंक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो संविदा पे काम कर रहे हैं। तो मुख्य मेधा सूची आपकी बनेगी इसकी, ठीक है, मेधा सूची के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, अगर इक्वल मार्क्स अगर आते हैं, किन्हीं 2 बच्चों के इक्वल मार्क्स आते हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। तो इस तरह से ये मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मिनिमम कितने परसेंट आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे मेरिट लिस्ट में आने के लिए, तो जनरल के लिए यहाँ पे 40% रखा गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32% रखा गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया है, और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित दो के लिए 36.5 रखा गया है, आदिम जनजाति यानी कि अति अनुसूचित जाति के लिए ये 30% रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इससे कम अगर मार्क्स आएंगे तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल हो पाएंगे। ओके, इसके बाद में परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग चाहें तो सिलेबस देख सकते हैं। एक और कुछ है, हाँ, ये अपलोड होगा, एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट पे ही आएगा, अलग से नहीं भेजा जाएगा। ओके, तो ये आपको टाइम टाइम पे चेक करते रहना पड़ेगा। इसके बाद ये सारे फॉर्मेट दिए हुए, तो आप फॉर्मेट आप चेक कर सकते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र लेना है, आय प्रमाण पत्र लेना है, ये सबके फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में सिलेबस दिया हुआ है हर एक का, वो यहाँ पे लास्ट में जाके आप देखेंगे, जैसे ये है। ओके, तो यहाँ पे आप सिलेबस में जब देखेंगे, ये रहा सिलेबस ऑफ फार्मासिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री,
तो कई सारे सिलेबस इसमें रहेंगे। ये केमिस्ट्री का आ गया पार्ट पूरा, कोग्नोसी है, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो कुल मिला के जो भी सिलेबस होता है वो सब रहेगा, ऐसे फ्री में तो दे नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी अच्छे से करनी है। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फार्मासिस्ट के लिए एंड नर्सिस के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए एंड एक्सरे टेक्नीशियन या MRI टेक्नीशियन या CT स्कैन वालों के लिए। तो आप लोग जरूर ट्राई करें। यूपी वालों के लिए थोड़ा दुख हो रहा है कि अगर यूपी के लिए भी होता है या पूरे ऑल इंडिया के लिए ओपन होती तो बहुत अच्छा रहता। चलिए आपको मौका मिलेगा आगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट भेजें और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी फार्मेसी। बाय।